बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप दोस्तों के साथ आज वीडियो शेयर करने वाला हूँ। अल्लाह ताला ऐसी मौत किसी को नसीब ना करे और ऐसा सदमा किसी भी घर में ना हो। आप दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करने वाला हूँ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि नई आने वाली तमाम तर अपडेट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। साइड पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये दुल्हन और दुल्हे की तस्वीरें हैं। ये शादी के लिए मुजफ्फराबाद के, वहाँ उन्होंने शादी की, निकाह किया, निकाह के बाद खाना खाया और जैसे वापस आ रहे थे मार्बल की पहाड़ियों से गाड़ी सीधी नीलम, दरियाए नीलम में जा गिरी और यहाँ पर जो गाड़ी थी मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुकी थी और दुल्हन और दुल्हन और गाड़ी में जितने भी लोग उस वक्त मौजूद थे वो तमाम तर मौके पर जाँ बहक हो गए। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इन्हें जन्नत फरदौस में आला मकाम अता करे, इनके घर वालों को सब्र दे। हमारी वीडियो बनाने का मकसद यही रहा कि ड्राइवर हजरात की नाहली की वजह से, गलती की वजह से, तेज़ रफ्तारी की वजह से ऐसे हादसा हमारे सामने पेश आते हैं। आप एक बार सोचेंगे जिस घर में शादी हो और वहाँ पर अचानक मौत की खबर आ जाए तो घर वालों के क्या हालात होंगे। खुदा के लिए ड्राइवर हजरात से यही अपील है कि आप कहीं भी ट्रैवल करें, खुदा के लिए कहते हैं देर से जाना ना जाने से बेहतर है। और आपने एक खुशी वाले घर में, एक जहाँ पर शहनाई बज रही थी वहाँ पर गम का माहौल बना दिया। खुदा के लिए ड्राइवर हजरात से गुजारिश है वो तेज़ रफ्तारी ना करें, अपने आप को होशियार साबित करने की कोशिश ना करें और इंसानी जानों का ऐसे ज़िया ना करें। खुदा के लिए वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।